अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज हमने जो बैंक दी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। आपकी बुक है जी, सुहेल अफजल साहब की बुक है, पेज नंबर 262 है और क्वेश्चन नंबर 8 है, सवाल नंबर 8 है बेटे। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, नीचे जो आपको तफसीलात दी गई हैं, प्रिपेयर आ बैंक दी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट। आप तैयार करें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ सरमद एंड कंपनी, सरमद एंड कंपनी की एज ऑन 31 दिसंबर 2015। किस तारीख पे? 31 दिसंबर 2015। इस डेट को बेटा अंडरलाइन कर लीजिएगा आप। हमें क्या बनानी है जी? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करनी है सरमद एंड कंपनी की, किस डेट पे? 31 दिसंबर 2015 जी। बैलेंस एज पर द कैश बुक ₹12,500। बेटा बैलेंस दिया हुआ किस बुक का? कैश बुक का। कितना? 12,500। अब बेटा यहाँ बात, हमने कहा था कैश बुक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है। अगर बैलेंस डेबिट होगा तो हम कहेंगे फेवरेबल है, अगर बैलेंस क्रेडिट होगा तो हम कहेंगे अनफेवरेबल है। यहां पर बेटा उसने मेंशन नहीं किया हुआ कि ये बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, तो जब बेटा उसने कुछ भी ना कहा हो, उसने मेंशन ना किया हो, तो बेटा बैलेंस हमेशा फेवरेबल होता है। इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस यहाँ पे कौन सा बैलेंस है बेटे? फेवरेबल बैलेंस है, फेवरेबल। और कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट होता है। इसका मतलब बैलेंस ऊपर कौन सा गिवन है? आपको डेबिट बैलेंस गिवन है। इट मीन्स जो जो पॉइंट डेबिट होंगे नीचे दिए गए पॉइंट्स में से, वो हम उन्हें ऐड करेंगे, और जो जो पॉइंट क्रेडिट होंगे उन्हें हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे जी। सिंपल, ठीक हो गया जी। चले जी, उसके कह रहे हैं चेक इशूड अमाउंटिंग टू ₹45,500, चेक इशू किए हैं जिनकी मालियत कितनी है? ₹4,500, नॉट प्रजेंटेड फॉर पेमेंट। लेकिन अभी तक वो चेक प्रजेंट नहीं हुए, तो बेटा हमने कहा था ये वो चेक हैं जो हमने इशू तो किए हैं लेकिन अभी तक बैंक के पास पैसे लेने के लिए नहीं पहुंचे, इन्हें हम अनप्रेजेंटेड चेक्स कहते हैं। और अनप्रेजेंटेड चेक्स का इफेक्ट हमेशा क्या होता है? डेबिट। अब बैलेंस डेबिट है तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या होंगे? ऐड होंगे। मेंशन कर लें कि इन्हें हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे जी। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड ₹3,110, चेक जमा करवाए हैं लेकिन अभी तक बैंक ने उन्हें क्लियर नहीं किया। अनक्लियर चेक्स, अनकलेक्टेड चेक्स क्रेडिट होते हैं। अब बैलेंस कौन सा गिवन है? डेबिट। तो ये लेस होंगे बेटे यहाँ पे। उसके बाद वो कहता है जी बैंकर हैज़ रॉन्गली डेबिटेड, बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया है द फर्म्स अकाउंट, फर्म का अकाउंट विद ₹712, ₹712 से बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया है। रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक, क्रेडिट होगा। इसका मतलब बैलेंस ऊपर डेबिट गिवन है तो ये भी यहाँ पे क्या होगा बेटे? लेस होगा। उसके बाद वो कहता है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पास बुक। अब देखिए बैंक चार्जेस एक्सपेंस है, इसका मतलब बैंक ने क्या किया है? वो पैसे हमारे अकाउंट से निकाल लिए हैं, डेबिट किया बैंक ने। और हमने ये बात सीखी थी कि जब भी बैंक डेबिट करता है वो पैसे निकाल रहा होता है, तो ये एक्सपेंस है बेटे। और एक्सपेंस का इफेक्ट बीएस में हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। ये देखें, इसका मतलब ये यहां पे ये भी क्या होगा? लेस होगा। तो एक पॉइंट बेटे यहां पे ऐड होगा और बाकी सारे पॉइंट्स यहां पे क्या होंगे? लेस होंगे। अब इसे कहना कैसे आपने बेटा? बीएस में के बहुत सारे मेथड्स हैं, इसका कोई एक सेट पैटर्न नहीं है। इसे आप हर मतलब 5-7 तरीकों से बना सकते हैं हैं, लेकिन हम वो पैटर्न फॉलो करेंगे जो आपकी बुक में गिवन है। उसमें देखें ऊपर नाम आएगा बेटा बिजनेस का, देखें क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन, सरमद एंड कंपनी, फिर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, फिर हम बना किस डेट पर रहे हैं? तो दिसंबर 31, 2015। तो देखिए जी एज ऑन दिसंबर 31, 2015। पॉइंट नंबर 1 है वो कह रहा है जी बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा बेटे बैलेंस एज पर कैश बुक।
अब मैंने कहा कि उसने मेंशन नहीं किया वाकई ये बैलेंस फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, तो हमने कहा हम इसे क्या अज्यूम करेंगे, फेवरेबल अज्यूम करेंगे। ये बैलेंस कौन सा बेटे आपका फेवरेबल है, इसका मतलब फेवरेबल मतलब डेबिट। और इसको हमने बेटा इस कॉलम में नहीं लिखना, अंदर वाले कॉलम में नहीं लिखना, हमने इसे बाहर वाले कॉलम में लिखना है। कितनी अमाउंट से, 12,500 रुपये से, 12,500 रुपये से। मैं बता दूं बेटे आपको, देखें पहला कॉलम बना हुआ है सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम बना हुआ है डिटेल्स का, तीसरा बना हुआ है डेबिट और क्रेडिट का, ये चौथा बना हुआ है अमाउंट का। याद रखिएगा, कुछ लोग ना आपने कंफ्यूज नहीं होना इस बात पे कि ये डेबिट है और ये क्या है, नहीं बेटा ये डेबिट क्रेडिट नहीं है, ये दो कॉलम है। आप समझे कि ये आपका मेन कॉलम है और ये आपका साथ उसके हमने किसी रखा हुआ है, वर्किंग के लिए एक रफ कॉलम बनाया हुआ है बेटे, ठीक हो गया, ये डेबिट और क्रेडिट नहीं है। तो मैंने बेटे अपना जो बैलेंस लिखा है ना, फेवरेबल बैलेंस लिखा है, वो किस कॉलम में लिखा है, मेन कॉलम में लिखा है। कितनी अमाउंट से, 12,500 रुपये से। तो मैंने बता दिया बेटे ये बैलेंस कौन सा है आपका, फेवरेबल है, डेबिट है। अब हमने कहा जी या तो पॉइंट इसमें ऐड होंगे या पॉइंट क्या होंगे, लेस होंगे। जो जो जिन जिन पॉइंट का इफेक्ट डेबिट होगा वो ऐड होंगे और जिन जिन पॉइंट का इफेक्ट क्रेडिट होगा वो क्या होंगे, लेस होंगे। बेटा देखें हम इसमें यहाँ पे ऐड करेंगे, जब हम इसमें बेटा ऐड करेंगे तो आई थिंक सो इसमें जो पॉइंट नंबर 2 था, चेक इशूड अमाउंटेड टू रुपीज़ 4,500 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने कहा ये हमारे क्या है, अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। और बेटा अनप्रेजेंटेड चेक्स का इफेक्ट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है जी। अच्छा मुझे बताएं क्या ये अकेला पॉइंट यहाँ पे डेबिट हो रहा ना, ये सिर्फ अकेला पॉइंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, इसके अलावा कोई पॉइंट यहाँ पे डेबिट नहीं हो रहा। तो बेटा क्योंकि ये अकेला पॉइंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है इसलिए मैंने इसको मेन कॉलम में लिख दिया डायरेक्ट। कितनी अमाउंट से, 4,500 रुपये से। अब देखें जमा करें इन दोनों को, 12,500 जमा 4,500, इन दोनों को बेटा जब जमा करेंगे ऐड करेंगे 17,000 रुपया आएगा, 17,000 रुपीज़ आएगा बेटे यहाँ पे। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 के तीनों पॉइंट यहाँ पे क्या हो रहे हैं, लेस हो रहे हैं। तो यहाँ बेटा मैंने देखे लेस की हेडिंग, लेस पॉइंट नंबर 3 वो कह रहा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक, अनक्लियर्ड चेक्स, क्या कहलाएंगे, अनक्लियर्ड चेक्स, अनक्लियर्ड चेक्स। हमने कहा इनका इफेक्ट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। कितनी अमाउंट से, 3,100, और ये बेटा यहाँ से माइनस होंगे, हम माइनस के लिए साइन इस्तेमाल करते हैं, किसका, ब्रैकेट का निशान इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वो कह रहा है बैंकर हैज़ रॉन्गली डेबिटेड द फर्म अकाउंट विद ₹712, हमने कहा दैट इज समथिंग रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक, क्रेडिट कितने अमाउंट से, 712 से। ये भी यहाँ पे क्या होगा बेटे, माइनस होएगा। और फिर लास्ट है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पास बुक, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पास बुक। बैंक चार्जेस क्या होते हैं बेटे यहाँ पे, क्रेडिट होते हैं। कितनी अमाउंट से, 35 रुपीज़ से। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट यहाँ पे क्या हो रहे हैं, लेस हो रहे हैं। लेस करें सदा 17,000 में से माइनस करें इन तीनों पॉइंट्स को, 13,143। अब देखिए ये बैलेंस डेबिट था, ये बैलेंस भी क्या था, डेबिट था। हमने मैथ में पढ़ा हुआ ना कि जब प्लस 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 इज इक्वल टू प्लस, साइन भी प्लस का ही आएगा ना। अच्छा प्लस माइनस,
लेकिन साइन में जाके इसका आता है बड़ी बड़ी रकम का, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन किसका आता है हमेशा बड़ी बड़ी रकम का, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा बेटा माइनस का, ऐसे ही होगा ना। अब यहाँ पे देखें, ये भी डेबिट है ये भी डेबिट है, तो ये जो अमाउंट आएगी ये कौन सी होगी आपकी, डेबिट होगी। इसका मतलब डेबिट में कितना 17,000 हमने उसमें से अमाउंट्स क्या किए हैं माइनस किए हैं, तो डेबिट क्रेडिट माइनस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा बड़ी वाली रकम का, बड़ी वाली रकम कौन सी थी 17,000। इसका मतलब यहाँ बैलेंस कितना आएगा जी आपका 17,000, 17 डेबिट आएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल। लेकिन बेटा यहाँ पे एक चीज़ देखें आप, ये जो पॉइंट उसमें अलग होना, ये समझे इस पूरे क्वेश्चन की क्या है मतलब जान है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो बाकी क्वेश्चन क्या होगा क्लियर हो गया आपको। ये भी बैलेंस किसका था कैश बुक का, कितना था ये भी बैलेंस किसका है कैश बुक का, कितना है। लेकिन इन दोनों बैलेंस में फ़र्क है बेटे, वो बैलेंस जो था रिकॉन्सिलिएशन से पहले था, इसका मतलब वो बैलेंस कैश बुक का पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं थे। हमने अब रिकॉन्सिलिएशन की है तो हमने क्या कर दिया, उस फर्क को ख़त्म कर दिया। जब हमने उस फर्क को बेटा ख़त्म कर दिया है तो ये जो बैलेंस आया है बेटा ये उतना ही बैलेंस होगा जितना किसका होगा आपका पासबुक का होगा। पता है ना कैश बुक एंड पासबुक हैव ऑपोजिट बैलेंस बट इक्वल अमाउंट, तो इसका मतलब ये जो बैलेंस आया है 13,143 रुपये ये कैश बुक का बैलेंस आया है, लेकिन ये वो बैलेंस है जो हमने रिकॉन्सिलिएशन करने के बाद मालूम किया है। ठीक हो गया, इसका मतलब जितना बैलेंस यहाँ पे कैश बुक का शो हो रहा है उतना बैलेंस यहाँ पे किसका शो हो रहा है पासबुक का। अगर बैलेंस यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ बैलेंस क्या होगा बेटे आपका क्रेडिट होगा। हम कहेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, फेवरेबल। जी बेटा इस बात की समझ आ गई आपको, यहाँ तक के मसला है जी बेटे। यहाँ तक क्वेश्चन है किसी बच्चे का, एक क्वेश्चन यहाँ बनता है आपका कि सर अगर हमने इसी कॉलम को इस्तेमाल करना था तो फिर ये कॉलम बनाने की ज़रूरत क्या है। ठीक है ना बेटे, अब हमने कहना क्या है, अब देखिए ये तीनों पॉइंट यहाँ पे क्या हो रहे हैं क्रेडिट हो रहे हैं, हमने इन तीनों पॉइंट को यहाँ पे अलग अलग लिख के क्या किया है माइनस किया है। अगर मैं ये ऐसे करूँ कि मैं इन्हें यहाँ पे अलग अलग लिखने की बजाय मैं यहाँ पे लिखूँ बेटा अनक्लियर चेक्स की अमाउंट कितनी है 3,110, 712 और 35, और इन तीनों को जमा करूँ, जमा करें इन तीनों को सर जल्दी से, ठीक है ना बेटे। और मैं इस टोटल को क्या करूं, इस टोटल में से माइनस करूं तब भी तो जवाब यही आएगा बेटे। तो ये जो मैंने कॉलम बनाया ना अंदर वाला कॉलम बनाया है, ये मैंने इसलिए बनाया है कि अगर एक से ज़्यादा पॉइंट ऐड हो रहे हों या एक से ज़्यादा पॉइंट लेस हो रहे हों तो मैं उनको अलग अलग ऐड लेस करने के बजाय उन्हें पहले कहाँ लिखूँ, मैं अंदर वाले कॉलम में लिखूँ, उन सब की रकम को जमा करूँ, और जमा करने के बाद मैं क्या करूँ टोटल को टोटल में ऐड करूँ या टोटल को टोटल में से लेस करूँ। जी जी बेटे यहाँ तक कोई मसला है, अगर आपको समझ में आ गया ना क्वेश्चन तो हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जा रहे हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 11 सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है बेटा, इसका कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। देखें वो कह रहा है जी प्रिपेयर आ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st December 2015 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक, बैलेंस किस बुक का गिवन है बेटे कैश बुक का। अब उसने क्या बताया, ये बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, क्या उसने बताया कि बैलेंस फेवरेबल अनफेवरेबल है, तो कौन सा बैलेंस होगा बेटा ये हमारा
डेबिट बैलेंस होगा। इसके ना सेम वही असूल चलेगा यहाँ पे, जो जो पॉइंट डेबिट हो रहे हैं उन्हें ऐड करेंगे और जो जो पॉइंट क्रेडिट हो रहे हैं उन्हें लेस करेंगे जी। कह रहे जी चेक फॉर रुपीज 3000 डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन, हमने 3000 रुपये के चेक बैंक पे जमा कराए कलेक्शन के लिए, बट नॉट क्रेडिट बाय द बैंक प्रायर टू 31 दिसंबर, लेकिन 31 दिसंबर से पहले पहले बैंक ने उन्हें कलेक्ट नहीं किया, बैंक ने उन्हें क्रेडिट, हमने कहा हमारे क्या कहलाएंगे, अनक्रेडिटेड चेक्स, अनकलेक्टेड चेक्स, और अनकलेक्टेड चेक्स का इफेक्ट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, तो यहाँ पे लेस होगा। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 3 है, चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 4000, चेक्स जो हैं जिनकी रकम कितनी है 4000 रुपये, बट इशूड ऑन 28 दिसंबर, हमने इशू किए थे 28 दिसंबर को, पर नोट कैश अप टू 31 दिसंबर 2015, लेकिन वो बेटा 31 दिसंबर 2015 तक कैश नहीं हुए, बेटा अन कैश चेक्स हैं हमारे, ये अनप्रेजेंटेड चेक्स का एक दूसरा नाम है। तो ये क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो ये ऐड होंगे लेस होंगे, ऐड होंगे बेटे। अ रॉन्ग डेबिट ऑफ रुपीज 400 अपेयर्ड इन द पास बुक, 400 रुपया बेटा कहाँ पे अपेयर हो रहा है, पास बुक में, रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक, तो ये क्या होगा बेटे आपका क्रेडिट होगा, लेस करेंगे। फिर बैंक चार्जेस ऑफ रुपीज 100 अपेयर इन द पास बुक बट नॉट इन द कैश बुक, एक बैंक चार्जेस हैं 1000 रुपये से जो पासबुक में तो अपेयर हो रहे हैं लेकिन कैश बुक में अपेयर, तो ये देखें बेटा बैंक चार्जेस, हमने कहा ये हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और एक्सपेंसेस का इफेक्ट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो ये बेटे यहाँ पे क्या होंगे, लेस होंगे। तो सेम यही 4 पॉइंट्स बेटे आपके इसमें आए हैं, हो जाएगा ये क्वेश्चन, कितने लोग कहते हैं हम कह लेंगे, पक्की बात है। चलिए मैं आपको फिर भी करके दिखाता हूँ प्रैक्टिस के लिए ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लें जी। दिसंबर 31st, सेम वही बात, ना ये बैलेंस डेबिट का है ना ये बैलेंस क्रेडिट का है जी, हम यहां पर लिखेंगे जी बैलेंस एज पर द कैश बुक, और बैलेंस बेटा कौन सा बैलेंस होगा, ये आपका डेबिट बैलेंस होगा, कितनी अमाउंट से 23,510 रुपये से, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस है बेटा ये, हम इसे इसमें ऐड करेंगे बेटा, एक ही पॉइंट यहाँ पे ऐड होगा सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, एंड दैट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 3, चेक अमाउंटेड टू रुपीज 4000 बट इशूड ऑन 28 दिसंबर बट नॉट कैश अप टू 31 दिसंबर, तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे अन कैश चेक्स या अन प्रेजेंटेड चेक्स, अब बेटा अन प्रेजेंटेड चेक्स का इफेक्ट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। अब चूंकि ये अकेला पॉइंट यहाँ पे ऐड हो रहा है ना बेटे, तो मैं इसे डायरेक्ट ऐड कर दूंगा यहाँ पे जाके 4000 रुपीज, इसका मतलब यहाँ पे दोनों पॉइंट ऐड होंगे, आप 23,510 में ऐड करेंगे 4000, तो बेटे यहाँ पे आएगा 27,510, दैट इज डेबिट, ये कौन सा बैलेंस होगा बेटे आपका, डेबिट बैलेंस होगा। बाकी बेटा इसमें से लेस करेंगे लाइक पॉइंट नंबर, ये पॉइंट नंबर 3 था आपका, पॉइंट नंबर 2 था, हमने कहा था ये क्या है हमारे अनक्रेडिटेड चेक्स हैं, चेक इशू चेक ऑफ रुपीज 3000 डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, हमने कहा ये क्या है हमारे अनकलेक्टेड चेक्स, और अनकलेक्टेड चेक्स का इफेक्ट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। अब इसी तरह मैं इनको कहाँ लिखूंगा, पहले अंदर वाले कॉलम में लिखूंगा बेटा, वर्किंग वाले कॉलम में लिखूंगा, कितनी अमाउंट से 3000 रुपीज। उसके बाद बेटे पॉइंट नंबर 4 है, अ रॉन्ग डेबिट ऑफ रुपीज 400 अपीयर्ड इन पासबुक, रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक, क्रेडिट होता है बेटा ये आपका पॉइंट 400 रुपये से 400 रुपीज से। और उसके बाद वो कहता है जी बैंक चार्जेस ऑफ रुपीज 10 अपेयर्ड इन द पासबुक, तो दैट इज समथिंग बैंक चार्जेस,
अपेयर्ड इन पास बुक। अब बेटा इसका इफेक्ट यहाँ पे क्या होता है, क्रेडिट होता है। कितनी अमाउंट है बेटा इसकी? 10 रुपीज़ है। इन तीनों को जमा करें बेटे आप, तो यहाँ पे आपका आएगा 3410, 3410 रुपये आएगा। ये यहाँ पे माइनस होगा बेटे, आप जब 27,510 में से इस 3410 को माइनस करेंगे तो कितना बैलेंस आएगा बेटे आपके पास? 24,100 रुपये आएगा बेटा। अब यहाँ पे देखें, ये डेबिट और ये क्रेडिट, तो हमने इसे माइनस किया है, लेकिन साइन किसका आएगा? बड़ी वाली रकम का। और बड़ी वाली रकम कौन सी है बेटे आपकी? डेबिट। इसका मतलब हम यहाँ पे कहेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल। तो अगर कैश बुक का बैलेंस बेटे यहाँ पे डेबिट है, तो हमने कहा जी कि कैश बुक एंड पैश बुक हैव इक्वल बैलेंस बट ऑपोजिट साइन, ठीक है ना। यहाँ बैलेंस डेबिट, तो यहाँ बैलेंस कौन सा होगा? क्रेडिट होगा जी। बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल। जी बेटा देखिए, सेम क्वेश्चन किया हम लोगों, आप लोग बड़े से गए जाए, एक बार लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ दे और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तो फ्री किताब हमारी। अल्लाह हाफिज़।